आज मैं ये कुछ अच्छा लिख दिए हैं बोर्ड पे, क प न ब च ह र त ल स त छ, इन अक्षरों से मिलकर के यानी दो अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनाने हैं आपको, और शब्द वो बनाने हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई, मैंने उस दिन पढ़ाया था शब्द क्या होते हैं, शब्द वो होते हैं दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं और जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। तो आप लोगों को, तीनों लोगों को यानी रवि, प्रियंका और नीलम तीनों हैं, तीनों लोगों को इन अक्षरों से जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं इन्हें मिला करके 10 शब्द बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10 शब्द। तो आप लोग सभी तैयार हैं? तीनों चौक ले लिया तीनों लोगों ने? आप लोग तीनों अपने अपने खाने में नाम लिख दिए मैंने, उसके खाने में अपने अपने 10 शब्द लिखो। चलो प्रारंभ करो। कोई चीटिंग नहीं कह रहा, अपना अपना लिखो, 10 लिखते चले जाओ, लिखो अपने अपने, एक दूसरे की तरफ देखेगा कोई नहीं। सही लिखने हैं और जल्दी लिखने हैं, जो सही लिख लेगा और जल्दी लिख लेगा वही जीत जाएगा। अपने अपने लिखो सब, देखते हैं तीन लोगों में से कौन जीतता है। आपको जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं लिखने, लेकिन सही लिखने हैं और जल्दी भी लिखने हैं। ऊपर ऊपर अक्षर दिए हुए हैं, ऊपर दिए हुए अक्षरों में से आपको अक्षर चुन करके दो अक्षर चुनो और शब्द बनाओ, दो अक्षर चुनो और शब्द बनाओ। और बाकी सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, आप बच्चों को चेक करना है कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है, बाद में जब ये लोग लिख लें अपने 10, तब 10 कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपना अपना लिखो, जो जल्दी लिख लेगा वही जीत जाएगा, और लिखने के बाद हमें बताओ कि हमने लिख लिए। अपने अपने लिखो, चीटिंग मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा साथी लिख रहा है वो भी हो सकता है गलत लिख रहा हो, इसीलिए उसके में देख के लिखोगे तो गलत तुम्हारा भी हो जाएगा उसका होगा तो। और बाकी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते रहें, 10 लिखने हैं आप लोगों को, सोचो समझो और लिखो। लिख दिए प्रियंका? प्रियंका लिख दिए, साइड से वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़ी जाओ उसी जगह, मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ प्रियंका, अपनी जगह अपने खाने में, यहीं यहीं ऐसे ही, हाँ ठीक। प्रियंका ने सबसे पहले लिख लिया है, और ये दो अभी दो लोग कंपटीशन में हैं, दो लोगों में कौन जल्दी से जल्दी लिखता है। रवि ने लिख लिए? रवि अपने कॉलम में खड़े हो जाओ, बताया कोई नहीं, बस यहीं खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में अभी नहीं किसी को बताना, बाद में पहले नीलम को भी लिखना दो, बोलेगा कोई नहीं, बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें बाकी बच्चे। सबसे कम समय में किसने लिखा है? सबसे कम समय में प्रियंका ने लिखा है, सबसे कम समय में, समझ गए? अभी कोई लिख रही है, कौन लिख रही है? नीलम लिख रही है अभी भी, लिखो लिखो नीलम, जल्दी लिखो, कितने रह गए? चार मिनट होने वाले हैं बस, समय होने वाला है। लिख लिया नीलम? इधर मुंह करो, सभी बच्चे साइड से, अपने साइड से अक्षर भी देखने चाहिए तुम्हारे, साइड से और थोड़ा साइड से बस, बाकी सब बच्चे देखो बोर्ड पे। और पहले तो सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले किसने, प्रियंका ने लिखा था? हाँ, प्रियंका के लिए सबसे पहले तो तालियां बजाओ, क्योंकि प्रियंका ने सबसे कम समय लिया था। अच्छा उस, अब चेक करो किसके अक्षर सही हैं किसके गलत हैं, एक सेकंड, चलो चेक करते हैं कि आपके कितने सही हैं। छल होता है, शराबा होता है, ये क्या है, फल क्या, यज
लेकिन ये कुछ नहीं होता, ये गलत होता है। यह क्या होता है? रब, बल, रब, रब होता है, ईश्वर को रब बोलते हैं। सही शर, 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 ये गाड़ी का तंत्र कर दो रब होना होता है। कल संडे, यानी प्रियंका की कितने आठ, यानी दो दो खिलाड़ी बराबर पे हैं। अब क्या करते हैं? नीला छत कब कल चब चब कुछ होता है? चब कुछ होता है? नहीं होता। चब कुछ नहीं होता। तल तल होता है, नल भी होता है। पग पग लिखा है ना, पग कुछ नहीं होता। और ये क्या है? लब, लब भी नहीं होता। और सर्दम को सही है, यानी सात में कितने सही है, यानी दस में से नीलम में कितने सही है? नौ है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, यानी नौ में से कितने में से नौ में से सात सही है। अब ये तो बात पक्की है कि नीलम के कम है सही, एक तो नौ की है उसमें से सात सही है, तो नीलम तो जीतने की रिश्ते बात हो गई। अब दो कैंडिडेट हैं रवि और प्रियंका, इनके बराबर नंबर है, इनके क्या है? लेकिन क्योंकि प्रियंका ने लिखने में समय कम लिया था, जल्दी लिखा था, इसीलिए इस खेल की विजेता कौन हुई? प्रियंका। क्योंकि प्रियंका ने कम समय लिया था, प्रियंका आगे चल गया। प्रियंका, प्रियंका बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ने में बहुत होशियार है। इन्होंने दस में से आठ शब्द बनाए, और वो भी इतनी जल्दी बना दिए, सबसे जल्दी कम समय बना दिए। बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, इनके लिए ताली बजाओ। इसी प्रकार सभी बच्चों को शब्दों को पढ़ना लिखना समझना चाहिए।